हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसका नाम द बी स्पोर्ट्स। यहां पर आपको मिलता है फुटबॉल से लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ और ट्रांसफर रूमर्स। दोस्तों, आज का वीडियो बिना किसी देरी के, तो सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो आईएसएल को लेके। तो एफएसडीएल ने बिड ओपन कर दिया आईएसएल के लिए फिर से, एंड ये सेकंड टाइम इस साल जब एफएसडीएल ने बिड ओपन किया आईएसएल के लिए, एंड 11th क्लब के लिए बिड ओपन किया, एंड मेनली ये बिड ओपन किया सिर्फ ईस्ट बंगाल के लिए ही आप बोल सकते हो, एंड और भी काफी सारे स्टेट्स वहां पे लिखा हुआ। दिल्ली से कोई भी क्लब चाहे तो बिड दे सकता है, लुधियाना, सिलीगुड़ी और भी काफी सारे क्लब से, गुजरात से भी था। तो बहुत सारे स्टेट से कोई भी क्लब बिड ऑफर दे सकता है, बट ये स्पेशली बिड ओपन किया गया है ईस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि ईस्ट बंगाल आईएसएल में आएगा इस सीजन, तो इसी वजह से बिड ओपन किया गया है। एंड जब स्पॉन्सर ऑफ सब सही है तो डेफिनेटली ईस्ट बंगाल बिड करेगा, एंड देखते हैं ईस्ट बंगाल आईएसएल में कब तक आते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक हम लोग को सुनने को मिलता है। सो नेक्स्ट आ रहा है हमारे जमशेदपुर एफसी की तरफ से। तो जमशेदपुर एफसी ने ऑफिशियली साइनिंग करवा लिया है लाल्डिनलियाना रेंथलाई, जो कि काफी बढ़िया राइट बैक पोजीशन के प्लेयर है। चेन्नई एफसी में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था लास्ट सीजन, वो थे चेन्नई एफसी में, एंड 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लाल्डिनलियाना रेंथलाई ने जमशेदपुर एफसी के साथ, एंड ये मैं बोलूंगा काफी बढ़िया साइनिंग जमशेदपुर एफसी के लिए, क्योंकि एक अच्छा खासा उनको एक राइट बैक मिल गया, एंड काफी यंग, काफी टैलेंटेड, बहुत यूटिलिटी है लाल्डिनलियाना रेंथलाई के पास, एंड जब वो इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोचेस के साथ खेलेंगे, एंड डेफिनेटली वेन कॉयल के साथ उन्होंने खेला ही है, सो ये वेन कॉयल का बोल सकते कि हाँ वेन कॉयल चाहते थे लाल्डिनलियाना रेंथलाई अपने टीम में, तो वो अपने टीम में वो ला चुके, एंड ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनिंग जमशेदपुर एफसी के लिए, क्योंकि काफी एक बढ़िया उनको राइट बैक पोजीशन का प्लेयर मिल गया। एज भी काफी कम है, सिर्फ 22 साल उनका एज है, तो अभी के लिए तो वो काफी साल खेलेंगे जमशेदपुर एफसी के लिए, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन है, उसके बाद वो तो एक्सटेंड होगा ही 1-2 साल। तो मुझे लगता है कि हाँ ये साइनिंग बहुत अच्छा है जमशेदपुर एफसी के लिए। सो ये नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है हैदराबाद एफसी को लेके। सो हैदराबाद एफसी ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया जोएल चियानेस का। तो जोएल चियानेस का साइनिंग 1 साल का हुआ, मैंने बहुत पहले बोल दिया कि जोएल चियानेस हैदराबाद एफसी में आएगा, बट कल फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि जोएल चियानेस हैदराबाद एफसी में आ रहे हैं। जोएल चियानेस जो कि एक राइट विंग के प्लेयर है, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, तो एक एशियन कोटा का प्लेयर भी उनको मिल गया, एंड उनका एज है 30 साल, राइट विंग वो बहुत अच्छे ऑपरेट करते हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है जोएल चियानेस, उनका रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, बहुत टॉप फॉर्म के प्लेयर है, बहुत ही अच्छा पेस से ऑपरेट करते पूरे विंग को, एंड सिर्फ वो राइट विंग नहीं, वो सेंट्रल लाइक मिडफील्ड पोजिशन भी खेल सकते हैं, लेफ्ट विंग में भी खेल सकते हैं, काफी वर्सेटाइल प्लेयर है जोएल चियानेस, एंड मुझे लगता है कि ये साइनिंग हैदराबाद एफसी को एक एक्स्ट्रा एक होता है जिल देगा, एक्स्ट्रा पेस देगा टीम को, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये साइनिंग बहुत ही अच्छा है हैदराबाद एफसी के लिए, एंड देखते हैं जोएल चियानेस का परफॉर्मेंस हैदराबाद एफसी का होगा इस साल कैसा रहता है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है मुंबई से एफसी की तरफ से। तो द ब्रिज जो कि आर्टिकल है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि एडम ले फोंडर के साथ मुंबई एफसी का इनिशियल बात हो चुका है, एंड अब बात एडवांस स्टॉक में जा चुका है। सो एडम ले फोंडर बहुत ही ज्यादा क्लोज है मुंबई एफसी में आने के लिए, एंड जो कि मुझे लगता है हाँ क्लोज तो है एडम ले फोंडे जैसा इतना अच्छा प्लेयर अगर मुंबई एफसी में आता है, तो डेफिनेटली मुंबई एफसी का जो अटैक है वो और ज्यादा बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि कोड़ो का आने का चांसेस रिसेंटली थोड़ा सा कम लग रहा है, जहां से वाकई ने रिपोर्ट किया था कि कोड़ो के पास उतना कोई ऑफर है नहीं आईएसएल के क्लब से। तो हाँ, एडम ले फोंडे अगर आते मुंबई एफसी में तो बहुत ही बढ़िया चीज होगा, क्योंकि एडम ले फोंडे जिस लेवल के स्ट्राइकर है, 200 से ज्यादा गोल किया है उन्होंने, सो बहुत ही ह्यूज अचीवमेंट है एडम ले फोंडे का, एंड लास्ट तो वो ए लीग में खेल रहे थे, बट डेफिनेटली अगर वो मुंबई एफसी में आते तो ये मुंबई एफसी के लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइनिंग होगा, क्योंकि उनको एक अटैक में प्लेयर भी मिल जाएगा, और उसके साथ अगर उगबेजे का भी साइनिंग मुंबई एफसी कंप्लीट कर लेते तो एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बो बन जाएगा मुंबई एफसी का अटैक में एटलीस्ट। तो देखते हैं कि इस साल एडम ले फोंडे मुंबई एफसी का अगर खेलते भी है तो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है एटीके मोहन बागान को लेकर, तो कल कुछ रिपोर्ट्स आए कि एटीके मोहन बागान ने एक नया फॉरेन साइनिंग कंप्लीट कर लिया, जो कि एक मिडफील्डर है, तो मैं गेस कर रहा हूं कि शायद ब्रैड इनमान हो सकता है, जिनका एज है 28, जो कि सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया ने, तो एक्चुअली 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक तो एशियन कोटा का एशियन एफिलेटेड प्लेयर भी हो जाएगा, एंड एक सेंट्रल मिडफील्ड भी एटीके मोहन बागान को मिल जाएगा, क्योंकि वही बाकी था एक सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन में, एटीके मोहन बागान को एक और प्लेयर चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये साइनिंग अगर हुआ है तो काफी बढ़िया साइनिंग है एटीके मोहन बागान के लिए, क्योंकि एटीके मोहन बागान को उस पोजीशन का प्लेयर तो चाहिए ही था, एंड एटीके मोहन बागान का टीम भी काफी एक वेल बैलेंस्ड, काफी हाई प्रोफाइल टीम है एटीके मोहन बागान का, एंड ज्यादा कुछ चेंजेस किया नहीं एटीके मोहन बागान ने अपने टीम
टीम में, तो जो कि आपको मैं बोलूंगा काफी अच्छा ही है, क्योंकि एएफसी कप में वो लोग खेलेंगे एंड जो लास्ट सीजन का जो टीम था वो इस सीजन अगर खेलते हैं एक दो चेंजेस के साथ तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो मुझे लगता है कि हाँ ये साइनिंग अगर हुआ है तो काफी बढ़िया साइनिंग है एटीके मोहनबागान के लिए। और देखते हैं, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक तो बोलना बहुत मुश्किल है कि यही साइनिंग हुआ है या नहीं, हम लोग बस वेट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है एफसी गोवा को लेकर, एफसी गोवा ने ऑफिशियली अनाउंस कर लिया है साइनिंग अल्बर्टो नोगेरा का। अल्बर्टो नोगेरा जो कि एक चाइनीज प्लेयर है, उनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है एफसी गोवा का एंड काफी बढ़िया प्लेयर है अल्बर्टो नोगेरा। उनका परफॉर्मेंस भी लालीगा के सेकंड डिवीजन में काफी बढ़िया था। वो उनका लास्ट हिम था सीडी नुमेंसिया, सो जो कि काफी बढ़िया टीम है लालिया के सेकंड डिवीजन का टीम था। अभी वो टीम थर्ड डिवीजन में आ चुका है, बट अल्बर्टो नोगेरा काफी बढ़िया प्लेयर है, काफी टैलेंटेड, काफी अच्छे खेलते, सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन में काफी एक पकड़ बना के रखा था अल्बर्टो नोगेरा ने अपने पिछले टीम का। ओके, सो मुझे लगता है कि इस सीजन अल्बर्टो नोगेरा का साइनिंग के साथ हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि हुगो बोमोस इस साल मुंबई से एफसी में ही दिखेंगे, क्योंकि अल्बर्टो नोगेरा को वरना एफसी को नहीं खरीदते। एंड मुझे लगता है कि अल्बर्टो नोगेरा का साइनिंग एक नया, एक अच्छा साइनिंग है, क्योंकि अल्बर्टो नोगेरा काफी अच्छे और एक्सपीरियंस भी है अल्बर्टो नोगेरा के पास। तो देखते हैं अल्बर्टो नोगेरा इस साल एफसी गोवा का होकर कैसा परफॉर्म करते। तो नेक्स्ट इंटरनेशनल, उम्टिटी बार्सिलोना छोड़ सकता है कोई भी ट्रांसफर फी के बिना, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है एंड ये एक्चुअली बार्सिलोना के लिए थोड़ा सा बुरा न्यूज है एक्चुअली, क्योंकि उनको कोई ट्रांसफर फी मिलेगा नहीं एंड जब भी कोई प्लेयर से फ्री में छोड़ देते, क्योंकि सैमुअल उम्टिटी को तो बार्सिलोना ने ट्रांसफर फी दे के ही खरीदा, मतलब अपनी टीम में लाया था। तो ये बार्सिलोना के लिए थोड़ा सा टफ टाइम आ रहा है एंड अगर इस टाइम में भी सैमुअल उम्टिटी जैसे हाई प्रोफाइल डिफेंडर अगर टीम छोड़ के चले जाते हैं वो भी फ्री में कोई ट्रांसफर फी के बिना, तो हाँ एक बार्सिलोना के लिए सेटबैक तो होगा। अब देखते हैं क्या होगा या क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मुझे नहीं लगता होगा, तो हाँ सैमुअल उम्टिटी शायद फ्री में ही चले जाए बार्सिलोना छोड़ के। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है आर्सेनल को लेके, आर्सेनल एक्चुअली ने ऑफर किया है फिलिपे एंडरसन को खरीदने के लिए। फिलिपे एंडरसन जो कि वेस्ट हैम के प्लेयर है, वेस्ट हैम का इस सीजन ज्यादा कोई अच्छा गया नहीं, बट हाँ फिलिपे एंडरसन डेफिनेटली बहुत अच्छे प्लेयर है फिलिपे एंडरसन एंड अगर ये साइनिंग कंप्लीट होता है तो आर्सेनल के लिए काफी बढ़िया साइनिंग होगा, क्योंकि फिलिपे एंडरसन काफी बढ़िया, काफी टैलेंटेड प्लेयर है फिलिपे एंडरसन एंड टीम के लिए एक एक्स्ट्रा मैं बोलूंगा एसेट बनेंगे फिलिप एंडरसन आर्सेनल में अगर वो आते हैं तो। एंड मुझे लगता है कि हाँ उनका आर्सेनल के आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वेस्ट हैम में रहेंगे और सो अब ये थोड़ा सा वेट करने का बात है कि वो कौन से क्लब में जाते हैं, क्योंकि और भी क्लब से उनका ऑफर है, उनके पास ऑफर है एंड सबसे बड़ी ऑफर जो रिपोर्ट्स की माने तो वो आर्सेनल ने ही किया है, तो हाँ उनका आर्सेनल में जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब देखते हैं अगर वो आर्सेनल में जाते तो आर्सेनल का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो जो नेक्स्ट आ रहा है नेशंस लीग को लेकर, सो नेशंस लीग कल मैच था, नेशंस लीग का जर्मनी वर्सेस स्पेन मैच एंड हुआ 1-1 एकदम लास्ट मोमेंट में जोसे गया ने एक मतलब गोल किया स्पेन का होके एंड लुकास वास्केस का काफी बढ़िया क्रॉस भी था, तो मैं बोलूंगा एक्चुअली लुकास वास्केस का भी उतना ही क्रेडिट है जितना जोसे गया का, बट हां डेफिनेटली बड़ा मैच एंड जर्मनी ने अच्छा खेला। डिफेंस में थोड़ा सा डिफेंसिव लैप्स था, डिफेंसिव एरर भी था, सो थोड़ा सा डिफेंस में प्रॉब्लम था एंड स्पेन में अगर मैं बोलूं किसी एक डिफेंडर का नाम तो डेफिनेटली सियागो रेमोस ने जैसे अच्छे से मैनेज किया, लेरा साने एंड टीमो वेगनर का जो कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है अगर इन दोनों को और ज्यादा कुछ मैचेस खिलाया जाते हैं बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स एक साथ खेलते नहीं है एंड वो थोड़ा सा मैटर कर जाता है कि एक ही तो थोड़ा सा इन दोनों प्लेयर्स को टाइम चाहिए एक साथ खेलने के बाद थोड़ा सा अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा एंड ये दोनों काफी खतरनाक कॉम्बो है। कल एक्चुअली जितने लोगों ने मैच देखा उनको पता है कि जिस स्पीड से ये दोनों ऑपरेट कर रहे थे अगर कल सियागो रेमोस ऑफ फॉर्म होते या फिर नहीं खेलते तो स्पेन डेफिनेटली ये मैच हार जाता, बट सियागो रेमोस ने जो रोल अपना अदा किया है मतलब हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं सियागो रेमोस से कल पूरा सियागो रेमोस ने 100% दिया था पिच में वो कंप्लीट दिखाई दे रहा है, वरना ये 1-1 के जगह पे 3-1 होता। तो हाँ डेफिनेट सियागो रेमोस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जर्मनी के साइड से अटैक अच्छा ही था और भी गोल हो सकते थे बट नहीं हुआ। बट अगर हम लोग स्पेन की बात करें तो स्पेन को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था शुरू के 15 मिनट के अंदर ही, बट स्पेन वो यूटिलाइज नहीं कर पाया, एकदम ओपन पोजीशन था, एमरिक कैन का एक डिफेंसिव एरर था, ट्रैप ने काफी बढ़िया गोलकीपिंग किया एंड डेविड डीगिया ने भी काफी बढ़िया गोलकीपिंग किया, तो गोलकीपर दोनों ही साइड से काफी बढ़िया गोलकीपिंग किया एंड मैच काफी अच्छा था। तो आज जो स्पेशल मैच है वो है नेदरलैंड वर्सेस पोलैंड, काफी बढ़िया मैच है नेदरलैंड वर्सेस पोलैंड एंड दोनों ही टीम्स काफी अच्छा टीम है एंड नेदरलैंड एक अपर हैंड रखते हैं, क्योंकि नेदरलैंड का जो डिफेंस
डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अटैक भी अच्छा खासा है, मिडफील्ड में भी अच्छा खासा पकड़ है नेदरलैंड का। नेदरलैंड के पास काफी सारे यंग प्लेयर्स है एंड पोलैंड में थोड़े से ओल्ड प्लेयर्स है, बट हाँ डेफिनेटली एक्सपीरियंस मैटर। सो देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है, एंड ये मैच मुझे लगता है नेदरलैंड शायद जीते या फिर ड्रॉ भी हो सकता है। सो देखते क्या होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपके वीडियो पर तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।